बिसमिल्ल रही चलें बेटा अब हम अपने इस सेक्शन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो ऊपर टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस की उसके अलावा भी हम कम्युनिकेशन को कुछ और सेक्शंस के अंदर भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं जैसे मिसाल के तौर तो पर रूटीन और टारगेटेड मैसेज के अंदर ज़्यादा बिजनेस मैसेज जो होते हैं वो तो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे ऑर्डर्स लेना पॉलिसी शेयर करना अपडेट करना प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से मुतक इसी तरह रिपोर्ट्स लिखना न्यू एम्प्लॉयज़ को ये सब कुछ तो है मैसेजेस जैसे अभी बताए उनके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती ये डायरेक्ट होते हैं और डे टू देट डे टास्क से मुतलिका इनका काम चलता रहता है रूटीन एंड टारगेटेड मैसेजेस का जो टारगेटेड कम्युनिकेशन होती है ना जब हम उनकी बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होती है और ये लेस फ्रीक्वेंट होते हैं इन नेचर में यानी कभी कभार ही लिखने वाले होते हैं जनाब एक इवेंट के बाद इन मैसेजेस की जरूरत पड़ सकती है ताकि क्विक रिपोर्ट दे दी जा सके अगर कोई इस बारे में आपसे पूछता है आइए आगे बढ़ते हैं जैसे मिसाल के तौर पर एक प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है मेमो सेंड करने के लिए सप्लायर्स को किस पर्पज के लिए कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके इनवॉइस को सौ मटीरियल जो कि रिसीव किया गया सौ क्या होता है सौ असल में चीरने वाला आरा होता है तो सौ मटीरियल जो रिसीव हुआ काटने से मुतलिक जो मटीरियल रिसीव हुआ उससे मुतल आप क्या कर सकते हैं इनवॉइस डिस्ट्रीब्यूट करना जब आता है प्रोडक्ट ऑर्डर्स की बारी जब आती है तो जो एक्नोलेजमेंट सराहने वाले खतू खतूत जो होते हैं उनको सेंड किया जाता है कस्टमर्स को और ये डिफर कर सकते हैं बहुत तरह से यानी कुछ होते हैं क्लाइंट जिन्हें आप जानते हैं कुछ हैं जिनको आप नहीं जानते कुछ हैं जिनके साथ आपका फॉर्मल बिहेवियर चलता है और कुछ है जिनके साथ आप इनफॉर्मल भी थोड़े बहुत हो जाते हैं ये सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं आइए आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ मैसेजेस अब ऐसे होते हैं नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरकल्चरल एंड इंट्रा ग्रुप मैसेजेस कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो उन लोगों से जिनका ताल्लुक होता है जिनको जो जानते हैं या क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं उन लोगों के साथ जो उसे पढ़ते हैं क्योंकि तो मैंने आपको बताया ना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ थिंग्स दूसरे मैसेजेस जो होते हैं उनका सिर्फ मतलब होता है उन लोगों के लिए जो नहीं जानते उन लोगों को जो उसे पढ़ते हैं यानी एक जिनको आप जानते हैं जिनके साथ आप इनफॉर्मल बिहेवियर भी रख सकते हैं और एक जिन्हें आप नहीं जानते तो उसके लिए भी क्या दोनों भी इन बोथ ऑफ देंसेज ऐसी दोनों ऑडियंसेस के लिए मैसेजेस जो होते हैं वो सेम रीजन के लिए जरूरत होती है कि हम उन्हें ऑर्गेनाइज करें अल्फाज का इंतजाम सोच समझ कर करें और उसे प्रजेंट करें एक डिफरेंट वे से यहाँ तक के आप सेम गोल को ही क्यों नहीं बयान कर रहे लेकिन आपकी एलेबोरेशन बात करने का अंदाज जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए अल्फाज का इंतजाम बेहतरीन होना चाहिए आइए आगे बढ़ते हैं जैसे मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय वो एक ईमेल सेंड करेगा ये पूछने के लिए एडमिन हेल्थ के बारे में किसी इवेंट से ये ईमेल जो है उसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है इवेंट से मुतलिक और एक्सपेक्टेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी डिस्कस हो सकते हैं जबकि यही इवेंट अगर आउटसोर्स हो जाए आउटसोर्स मतलब आपके हाथों से निकला किसी और के पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए चला गया और कोई दूसरा किसी और रीजन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो एक्सपेक्टेड एक्शंस और इवेंट जो होते हैं वो ज्यादा डिटेल्ड में होने चाहिए और ज्यादा फॉर्मलाइज होने चाहिए कि आपने तो ए टू सारी चीज बतानी है तो ये इवेंट आपके पास ही था खुद आपने डील करना लेकिन एक है जिसको अब आउटसोर्स कर दिया गया है किसी और रीजन के थ्रू कर दिया गया तो इसका मतलब है कि अब आपको बहुत ध्यान से तमाम उन चीज़ों को डिटेल से बयान करना पड़ेगा कि जिसके बारे में आप चाहते हैं कि इनके बारे में मुकम्मल तौर पर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो इसलिए तमाम चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करना भी जरूरी है ये इसलिए है कि आपका इवेंट जो है वो आउटसोर्स हो गया

वेब यूजर्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं और उन्हें अटेंशन पे करनी पड़ती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जाने और बहुत जरूरी होती है वेब कम्युनिकेशन जो होती हैं वो इंटरक्टिव होती हैं इंटरैक्टिव इंटरएक्टिव से इंटरक्टिव और नॉन लीनियर भी होती हैं इसी तरह जब आप मैसेजेस को लिखते हैं वेब के लिए तो खास इंफॉर्मेशन को जो आप देना चाहते हैं उसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए डायरेक्ट और कंसाइज जामे अंदाज में ताकि ऑडियंस की अटेंशन आप अच्छे अंदाज से ले सकें और उनको अच्छे अंदाज से डिस्कस कर सकें यहां तक बात का आपको समझ आई है अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट सम एग्जाम्पल अबाउट दिस थिंग

जिनको आप जानते हैं ऑलरेडी जो आते हैं आपके पास वो ज्यादा हो हो और ऑडियंस फोकस्ड इस चीज का आपने ख्याल भी रखना है क्लियर है बेटा तो ये भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको आपने बहुत अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड रखना है और समझ के रखना है इनशाला यहीं से आगे अप हम अपने सेक्शन को मजीद आगे बढ़ाएंगे तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगले लेक्चर में अल्लाह हाफिज़